भोगोगे इस जन्म में, हम जो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारे पास हम देखते हैं हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, ये किस लिए? इस जन्म का कर्म नहीं है, ये प्रारब्ध है। पूर्व जन्म में जो कर्म किया होगा वो इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। इसीलिए ये कोई रोने की बात नहीं है। जिसका स्टेशन जहां होगा वो वहां उतरेगा। तुम उसे रोकना भी चाहो तो वो नहीं रुकेगा, और अगर वो भी रुकना चाहे, तुम भी उसे रोकना चाहो, तो टीटी जबरदस्ती उतारेगा, सामान फेंक कर चलो उतरो, समय हो गया है, यहां से और यहां तक ही आपकी सीट थी, इसके बाद अब सीट दूसरे की है, आगे उतरना पड़ेगा। कई बार ट्रेन से सफर होगा तो कई बार गाड़ी से सफर होगा, कई बार बाइक से भी सफर करना पड़ेगा। जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे जीवन का आनंद लेते हुए चलोगे। इसलिए पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये संसार तो क्षण भंगुर है, हर व्यक्ति का स्टेशन आना है, ऐसा नहीं है। जितने लोग बैठे हैं सबका स्टेशन कहीं ना कहीं तक तय है। इसीलिए माताओं, जब लगे वृद्धावस्था के संकेत मिलने लग जाएं, अब कानों से नहीं सुनाई देता, आंखों से साफ नहीं दिखाई देता, बाल सफेद हो गए हैं, तो अब क्या करना होगा? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अब धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, अब जो अगल बगल में बैठे हुए यात्री हैं उनके प्रति जो मोह हो गया है कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, ये हमारे साथ मित्र बन गए, कि कोई उम्र में बड़ा हो तो उसे लोग माता जी कहकर बुलाते हैं, कोई वृद्ध हो से पिताजी को, कोई अपने बराबर हो मित्र बन जाता है, भाई कहकर बुला देते हैं ट्रेन में भी, है? वो भी परिवार हो जाता है। अब जब लगे कि हमारा स्टेशन आने वाला है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, उनके प्रति जो आसक्ति है, उनके प्रति जो मोह है, उस मोह का अब त्याग करो, और उस मोह को छोड़कर अपना सामान बांधो, क्योंकि अब अगर उनके साथ ही बैठ रहे भैया हम जा रहे हैं, और रोने लग जाए उनके साथ, जब तुम्हें हम कैसे छोड़ेंगे, तुम्हारे बिना ऐसा होगा वैसा, तो ट्रेन आगे निकल जाएगी, स्टेशन छूट जाएगा हमारा, फिर धक्का मारकर टीटी निकालेगा। इसीलिए अब जब लगे कि अब स्टेशन आने वाला है तो सामान बांध लो। धर्मम भजस्व सततम् त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। अब जो कई बार ऐसा होता है, अपने साथ के जो यात्री अगल बगल में ट्रेन में बैठे हुए होते हैं, कई बार अच्छे मिल जाते हैं, है? होता है कोई अच्छा मिल जाए, अच्छा आदमी साथ में बैठे तो अच्छा लगे, सफर करते पता ही नहीं चलता, और कभी ऐसा भी होता है ऐसे बेकार लोग साथ में बैठ जाते हैं, पूरा सफर बिगाड़ कर रख देते हैं। तो इसीलिए जो लोग साथ में साधु पुरुष अच्छे लोग साथ में बैठे हो, अब उनसे मिल लो, बातचीत कर लो कि भाई अब हम जा रहे हैं, त्यजलो कधर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। अब जो अन्य के प्रति गुण और दोष की भावना थी, ये अच्छा है ये बुरा है, समाज में लोग एक दूसरे की किसी की स्तुति करते हैं तो किसी की निंदा करते हैं, ये खराब है ये अच्छा है, अब ये सब एक दूसरे की अच्छाई और बुराई निकालना छोड़ दो, केवल और केवल
अन्यास्य दोष गुण चिंतन सुमुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। अब भगवत कथा, भगवान की कथा में लग जाओ, इस श्रीमद् भागवत कथा सुनने में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। हाँ, अगर अगली बार के लिए एसी की सीट चाहिए तो इस बार से ही धन इकट्ठा करने लग जाओ, खूब सारे पुण्य इकट्ठे कर लो। क्योंकि जैसे संसार में धन चाहिए हर वस्तु को पाने के लिए, वैसे ही वहां सब कुछ चाहिए, पुण्य से वहां मिलता है। कुछ भी खरीदना है तो पुण्य चाहिए, पुण्य है, इतना पुण्य है तो तुम्हें वो मिलेगा। इसीलिए माताओं, जीवन अब अन्यास्य दोष गुण चिंतन मासुत्वा, एक दूसरे की बुराई चुगली करना छोड़ दो, अब भगवान की कथा में लग जाओ। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, केवल भगवान की कथा का रसास्वादन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम के चिंतन में लग जाओ। गौकर्ण महाराज ने इस प्रकार अपने पिताजी को समझाया, बात समझ में आ गई, भगवत भक्ति में लग गए। आत्मदेव जी महाराज पुत्र से विदा ली, घर के प्रति जो आसक्ति थी उसे छोड़ा, चल पड़े अब जंगल की ओर तपश्चर्या कर। अगर दुख को लेकर बैठे रहोगे तो दुख समाप्त नहीं होगा, केवल यही सोचना होगा कि अब दुख से कैसे निकलेंगे। घर पर जो आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, उसे छोड़ो। जिसका स्टेशन जहां था उसे वहीं उतरना होगा। इसलिए ऐसी दिव्य गोकर्ण गीता भी, इसे कई महात्मा लोग कहते हैं, ये गीता सुनाई आत्मदेव को, कृतकृत्य कर दिया पिताजी को, धन्य हो गए आत्मदेव, प्रसन्न चित होकर जंगल की ओर चल पड़े और भगवान का भजन करकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ये मृत्यु नहीं, ये आज भी अमर है, हम उनका नाम ले रहे हैं, उनकी कथाएं सुन रहे हैं, तो वो आज भी अमर है। समाज में कई लोगों की तो मृत्यु होती है, पर कई लोग अमर हो जाते हैं सबके हृदय में। ये कथा भी स्वर्गीय श्री सूरत सिंह जी के लिए हो रही है। कुछ लोग जीते जी भी मर जाते हैं, ऐसा नहीं है, जीते जी भी कई मर जाते हैं। आज समाज में देखा जाता है लोग शराब पीकर सड़क पर पड़े हुए रहते हैं, कोई उन्हें गालियां दे रहा है, वो जीते जी मर चुके हैं, उन्हें मारने की आवश्यकता नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मरकर भी अमर हो जाते हैं। आज हमारे भारत में, हमारे देश में इतने सैनिक लोग अपने प्राणों को देश पर बलिदान दे देते हैं तो मरे नहीं हैं, वो अमर हो गए हैं, वो मरकर भी अमर है। भारत, हमारा देश जब गुलाम था, आज आजाद हो गया है, तो इस आजादी को पाने में जिन लोगों ने कड़ा संघर्ष किया, अपने प्राणों को देकर प्राणों का भी बलिदान दिया, तो भी देश को आजाद करने का प्रयास किया, वो आज भी अमर है। भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस आज भी सबके हृदय पर विराजित है। भगत सिंह जी को तो फांसी दी जा रही थी, फिर भी हंसते हंसते, यही यही भक्ति है अपने देश के प्रति। इसीलिए भारत को कहा गया है, गायन्ति देवा अखिल गीतकारी धन्याश्यते भारत भूमि भारी। इस भारत में तो ध्रुव, प्रहलाद,
ऐसा नहीं है कि वो केवल सतयुग में ही हुए, त्रेता में हुए, द्वापर में हुए, कलयुग में भी ऐसे लोग आज भी जीवित हैं। इसीलिए भगत सिंह जी को तो जब फांसी दी जा रही थी, क्या कहा जाता है, उनकी मां रो रही थी। जब बहुत रो रही थी तो किसी ने समझाया, बोले तुम्हारा पुत्र मर थोड़े ही रहा है, वो तो अमर हो रहा है। तो उनकी मां ने कहा, बोले मैं इस बात से नहीं रो रही हूँ कि मेरे पुत्र को फांसी दी जा रही है। तो उसने कहा, क्यों रो रही हूँ? बोले रोना है तो इस बात का है कि भगवान ने मुझे एक ही पुत्र दिया है, एक और भी दिया होता वो भी देश के ऊपर बलिदान हो जाता, और इसलिए मैं रो रही। तो ये हम लोग तो समाज में हर वस्तु के प्रति एक मोह लगा हुआ रहता है। तो आज भी जो सैनिक लोग, हम लोग चैन से सो पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? उनकी बदौलत सो पा रहे हैं। यहाँ कथा सुन रहे हैं तो किसकी बदौलत सुन रहे हैं? उनकी बदौलत सुन रहे हैं। इसीलिए अपने प्राणों की बलिदान देने वाले सैनिक लोग आज भी भारत की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए। हम लोगों ने अपने देश को क्या दिया? हमने तो कुछ नहीं दिया किसी को। हम लोग तो वोट भी देते हैं तो उससे भी पैसे लेते हैं, जो पैसे देगा उसको वोट देते हैं। कोई नेता आएगा जो हमारा काम करेगा उसे वोट देते हैं, जो परेशानी में हमारी तरफ खड़ा रहेगा उसे वोट देते हैं। हम तो वोट भी किसी को फ्री में नहीं देते, केवल देते हैं तो हमारे सैनिक भाई जो अपने प्राणों को दे रहे हैं। अब लोग कहते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो धन ले रहे हैं। अगर हम आपको कहें हम आपको बहुत सारा धन देंगे, आप इसके बदले में हमें आपके प्राण चाहे तो दोगे? प्राण कोई नहीं देगा, पर वो लोग ऐसी परेशानियों में रहकर न जाने जंगलों में भटक कर आज भी रक्षा कर रहे हैं। तो सैनिक लोग आज भी भारत की रक्षा सुरक्षा में लगे हुए हैं। धन्य हैं वो लोग जो अपनी मातृभूमि पर मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, ऐसा शुभ अवसर किसे प्राप्त हो। तो इसीलिए हमारी तो भगवान से प्रार्थना है, जो सैनिक लोग अपने प्राणों का बलिदान देते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं, वो तो मुक्त है। जो मृत्यु अपने देश पर मृत्यु प्राप्त कर जाए उनकी तो बात ही क्या है। वो तो आज भी समाज में अमर है, इसलिए भगवान से प्रार्थना है, भगवान जिनकी कथा में, जिनकी पुण्य स्मृति में कथा हो रही है, भगवान उन्हें भी वो शांति प्रदान करें। वैसे आत्मा होती ही शांत है, पर लेकिन फिर भी भगवान उन्हें अपना धाम प्राप्त कराए, ये भगवान से नम्र निवेदन है। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, पर एक बार फिर कहते हैं कुछ लोग मर कर भी अमर हो जाते हैं। तो आत्मदेव जी शरीर का त्याग, भगवत दशम स्कंदस्य पाठा, दशम स्कंद पढ़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, इससे बड़ी बात है। या तो पुत्र हो तो दो प्रकार के, या तो भक्त हो या
ऐसा हो जिसने अपनी मातृभूमि पर प्राण त्याग किए हो, ऐसे दो पुत्र होने चाहिए बस। पुत्र हो तो ऐसे ऐसे नहीं जो लोग शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, वो जीते जी भी मर चुके हैं, पर धन्य हैं वो लोग जो मर कर भी अमर हो गए। तो इसलिए आत्मदेव जी ने मुक्ति प्रदान की, धुंधली कुएं में कूद कर मर गई। यहां इसी ही चरित्र में अगर देखें तो मृत्यु दो लोगों की हुई है, आत्मदेव की भी मृत्यु हुई और धुंधली की भी मृत्यु हुई है। जीवन में घर का संस्कार था, ज्ञान था, सत्संग था, तो आत्मदेव ने भगवत भक्ति भगवान का नाम लेकर मृत्यु प्राप्त की, और धुंधली के जीवन में भगवत भक्ति नहीं थी, सत्संग नहीं था, संतों का संग नहीं था, तो कुएं में कूद कर मर गए। गौकर्ण जी महाराज जंगल को चले, तीर्थाटन करने लगे, इधर धुंधुकारी अकेला रह गया। पांच वैश्याओं को घर ले आया, पांच वैश्याओं ने उसे जब तक धन प्राप्त हुआ धन लिया, जब लगा कि अब धन इससे और नहीं मिल सकता, तब उसे मारकर घर में वहीं गड्ढा खोद कर वहीं गाड़ दिया। मृत्यु हुई धुंधुकारी की। इतना ही नहीं, धुंधुकारी मरकर प्रेत बन गया। गौकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, सो माता पिता और भाई का तीनों का गया में श्राद्ध किया, और श्राद्ध किया क्रिया पूर्ण कर स्वयं घर पर आ गए। रात्रि में जैसे घर पर पहुंचे, विश्राम ही किया था, आसन बिछाया, लेटने लगे, तभी सकृत में सकृत धस्ती सकृत महिषो भवत सकृचिंद्र सकृचाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कवि सकृत में सकृत धस्ती सकृत महिषो भवत, कभी भैंस हो जाए, कभी हाथी हो जाए, कभी भेड़ हो जाए, कभी अग्नि हो जाए, कभी चंद्र, कभी इंद्र, और कभी मानव देह धारण करे, ऐसा अनेक अनेक रूप धारण कोई करने लगा। पर गोकर्ण जी डरे नहीं, महात्मा है, हाथ में जल लिया, जैसे ही छीटा मारा, पूछा कौन है तू, पर उसके मुख से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि प्रेत का जो मुख कंठ होता है सुई के नोक के बराबर होता है। कुछ खाना पीना तो छोड़ो, हवा भी सांस भी अच्छे से नहीं ले सकता, ऐसी दुर्गति होती है। जैसे ही जल छीटा सो थोड़ा पाप कम हुए, तो कहने लगा है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशित्वं मया। कावरे भैया, मैं आपका बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ, अपने बुरे कर्मों के द्वारा इस दुर्गति को प्राप्त हुआ, मेरे उद्धार के लिए कुछ कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए हमने गया में श्राद्ध किया है। धुंधुकारी ने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति, एक नहीं सौ श्राद्ध भी करोगे तो भी मैं नहीं तरूंगा, मैं इतना पापी हूं। तो धुंधुकारी क्यों नहीं तरा? क्योंकि धुंधुकारी किसका पुत्र है? बोलते क्यों नहीं, किसका पुत्र है? धुंधली की बहन का पुत्र है। ये बात केवल तीन लोगों को पता है, एक धुंधली को, एक धुंधली की बहन के पति को, और एक धुंधली की बहन को, इन तीन लोगों को पता है। इसलिए गौकर्ण जी को पता नहीं था कि हमारा ही भाई है, तो उसका अपना गोत्र लगाते थे, पर गोत्र में हर बार गलती हो जाती थी, इसीलिए धुंधुकारी का
मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गया में जिसका श्राद्ध हो जाए उसकी तो मुक्ति है, पर गोत्र में गलती हो रही थी तो धुंधकारी की मुक्ति नहीं। इतना सुनते ही गोकर्ण जी ने कहा, चिंता न करो, तुम्हारे हम कल्याण करेंगे। तो प्रातः काल हुई, गोकर्ण महाराज ने गांव में बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, पर सबने कहा, महाराज आप तो सबसे बड़े विद्वान हैं, जब आपको पता नहीं तो हमें क्या पता होगा। तो गोकर्ण जी इतने सामर्थ्यवान थे कि सूर्य को ही रोक लिया। सूर्य भगवान रुके, क्या बात है गोकर्ण, क्यों हमें रोका है? गोकर्ण जी ने कहा, पहले ये बताओ मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। तब सूर्य भगवान ने बताया कि केवल भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण नाम की कथा ही इसको उतार सकती है। गोकर्ण जी ने कहा, तो कौन सी बड़ी बात है, कथा प्रारंभ हो। कथा दिव्य सुंदर चलने लगी, दूर दूर से गांव के लोग कथा सुनने के लिए आए। और जब दिव्य कथा गंगा बहनी प्रारंभ हुई, इतने में प्रेत भी वहां आ गया। और प्रेत वायु रूप होता है, एक जगह बैठ नहीं सकता, इसलिए उसकी नजर एक सप्त ग्रंथि वाले बांस पर पड़ी और वो वायु रूप धारण कर उसके छिद्र में जाकर बैठ गया। पहली ग्रंथि में बैठा, कथा हुई। प्रथम दिवस की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। और धुंधकारी वहां से, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित। मुकुट कुंडल धारण किए हुए, दिव्य रूप धारण कर धुंधकारी वहीं प्रकट हो गया। भागवत जी को प्रणाम किया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। भागवत जी को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया, समस्त श्रोताओं को प्रणाम किया। और तब तक विमान आया, धुंधकारी विमान में बैठा और जाने लगा, तब तक गोकर्ण जी ने विमान वालों को रोका, वो जरा रुको। विमान वालों ने कहा, क्या बात है? गोकर्ण जी ने कहा, एक बात बताओ भाई, इन सब ने भी कथा सुनी और इसने भी कथा सुनी, तो यही क्यों तरह, इनके लिए विमान कहाँ है? विमान वालों ने कहा, महाराज क्या बताएं आप, श्रवणस्य अभिवेदेन फल भेदो त्रसंस्थित, जो जैसे सुनेगा उसे वैसा ही मिलेगा। अब इन्होंने एक कान से सुना तो हम इसमें क्या कर सकते, इन्होंने एक कान से सुना, इसने 2 कान से सुना। गोकर्ण जी ने कहा, क्यों एक कान से मतलब? अरे बोले, एक से सुना एक से बाहर, एक से रास्ता भी तो होना चाहिए, एक से सुना एक से बाहर। पर इसने मनन कर न तथा मननम कृतम, इसने मनन कर कथा सुनी, इसलिए ये इसके लिए विमान आया, और इन्होंने नहीं सुनी तो इनके लिए विमान नहीं आया। क्योंकि महाराज कथा सुनने के लिए 3 प्रकार के श्रोता आते, सबसे खतरनाक होते हैं सोता, ये कथा में आते हैं, बढ़िया पीठ लगाने को मिलता है, सीताराम हो जाता है, नींद आ जाती है कई लोगों को, तो सोता हो जाते हैं, पीठ लगाने को मिल गई, पैर फैला दियो, बस बढ़िया नींद पूरी। ये सर सोता, घर में नींद नहीं होती पूरी, सो यहाँ सोते हैं। अब घर में तो कोई कोई कहता रहे, कुछ कुछ छोटा बहुत काम आए, अब सोए भी तब तक कोई इधर से उठा रहे, वो करो, नींद आए फिर से तब तक दूसरा उठा, ऐसा करो, तो यहाँ बढ़िया है अपना, बढ़िया से आराम, नींद पूरी हो जाती है। और आरती के बाद बगल वाला कहता है, भाई कथा पूरी हो गई है? सुन जय कर, तो होता ही है। बोले, वृंदावन बिहारी लाल की, तो नींद आ ही जाती है, फिर आलस के कारण हाथ जमा ही लेते हो, जयकारा भी हो जाता, जमाई भी ले लेते, तो वो है सोता। बगल वाला कहे, भाई सो रहे हो? तो कहता, नहीं आंख बंद कर कथा सुन रहे हैं, हम तो बहुत बड़े श्रोता हैं। ऐसे दिव्य लोग कथा में भी आ जाते हैं। तो ये है सोता, इनसे उच्च लेवल के हैं सरोता, ये इनसे भी खतरनाक है। क्यों? अब बेचारा सोता आए कथा में, वो दूसरे को परेशान नहीं करता, अपने सो जाए बात, पर ये सरोता खुद भी नहीं सुनता, दूसरे को भी नहीं सुनने देता,
कबीदर वाले से बात, कबीदर वाले से बातें बात पे लगा रहे। ये है सरोता, कथा में आया इधर उधर घूमता रहे, कब घड़ी देख समय, कब बगल वाला कहते इतनी लेट हो रही तो घर चले जाओ। अरे बोले तो दिख रहा है जिनकी कथा, उन्हें पता भी तो चलना चाहिए कि वो आए थे, नहीं तो हमारे यहाँ कल के दिन कुछ कथा होगी तो वो नहीं आएंगे, इसलिए फिर आना ही पड़ता है। कुछ देर चक्कर काट कर और उन्हें दिख गए, बस हम आए थे और फिर गायब। ये है सरोता, पर सबसे अच्छे हैं श्रोता, जो ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करें, कथा सुनने के बाद शाम के समय उसका मनन भी करें कि भाई हमने ये सुना है। अब यहाँ तो ऐसे श्रोता है, अब कल पूछो कल कहाँ कथा विश्राम हुई तो पता ही नहीं है। कथा होना चाहिए, दिन में कथा सुनो, रात में पता हो चिंतन किया कि हमने क्या क्या सुना और हमें इसे क्या लेना है, फिर जीवन में भी उतारे। अब जो ध्यान से सुनेगा वही मनन करेगा, जो मनन करेगा वो उसे जीवन में उतारेगा। अब कल कितने लोग कथा सुनने आए थे, हाथ उठाना जरा, ऊपर हाथ उठाओ जो कल कथा सुनने आए थे। बहुत अच्छी बात, कल कथा विश्राम कहाँ हुई थी। अब हम नहीं कहते, सोता लोगों का और सरोता लोगों को पहले ही पता लग जाता है, तो एक विचार होना चाहिए कि कथा कहाँ विश्राम हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई है। कल हम लोगों ने माँ भक्ति प्रकट हुई थी, ज्ञान वैराग्य को लेकर नृत्य भी हुआ था, कीर्तन भी किया था, ताली भी बजाई थी, फिर भी इस प्रकार सबसे अच्छे हैं श्रोता, कथा में आते हैं ध्यान पूर्वक अपनी कथा सुनते हैं, वो है श्रोता। गोकर्ण जी ने उससे कहा बोले फिर से कथा करो तो ये तरेंगे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। धुंधुकारी को लेकर विमान चल पड़ा और इतने में यहाँ गोकर्ण जी ने फिर से कथा की, फिर से कथा हुई, सब लोगों ने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, मनन पूर्वक कथा की सुनी, और ध्यान से कथा सुनने के कारण सबके लिए सातवें दिन विमान आया। सब विमान में बैठ कर अयोध्यावासिन पूर्व यथा रामेण संगीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे पूर्व में राम जी पूरी अयोध्या को ही अपने साथ ले गए थे, वैसे ही गोकर्ण महाराज भी सबको अपने साथ ले गए। विमान का मतलब है क्या जानते हो? कोई आज सातवें दिन झगड़ा करे हमारे लिए विमान नहीं आया है। विमान का मतलब है, विमान आएगा अवश्य है, और वो उस विमान का एक और लक्षण है, वो धरती पर नहीं उतरता, धरती से चार हाथ और ऊपर रहता है, इस विमान का लक्षण। माताओं, विमान का मतलब ये नहीं कि जहाज ही यहाँ उतर आए, विमान का मतलब है मुक्त तो हो जाओ। अधिकतर लोग बहुत डरते हैं, कोई कहे तुम्हें मुक्ति चाहिए, लोग बहुत डरते हैं, महाराज अभी से मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति बाद में वृद्ध हो जाएंगे तब। तुम मुक्ति का अर्थ मरना ही नहीं होता, जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन व्यक्ति विषयों से उसकी तृष्णा आशा छूट जाती है, जीव उस दिन ही मुक्त हो जाता है। मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं, तुम रस्सी से बंधे हुए हो, रस्सी अगर खुल जाए तो तुम वैसे ही मुक्त हो जाओ। केवल ऐसा नहीं है कि जब मर ही जाओ तो ही रस्सी खुलेगी, तुम उस रस्सी को खोल भी सकते हो, माया रूपी बंधन को जिस दिन टूट जाएगा। जानिए जीव तब ही जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन विषयों से वैराग्य हो जाए उसी दिन व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। तो इस प्रकार फिर कथा हुई, सब तर गए, ये कथा आई। कथा के नियम बताए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता के लक्षण बताए, विरक्तो वैष्णव, विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, ब्राह्मण होना चाहिए,
वेद शास्त्र विशुद्धिकृत शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, ऐसा होना चाहिए। कई लक्षण बताए, श्रोताओं के भी लक्षण बताए। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारय दिया। सर्वप्रथम तो जितासनो, आसन जीत कर बैठे, बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े। समझे, कई लोग पैर फैलाकर बैठे रहते, कोई ऐसे थोड़ी देर इधर बैठे, कोई उधर भी ले। जब ज्यादा ही थक जाए तो घूम फिर कर चक्कर लगा कर। भाई माइक तो आवाज तो बाहर भी आ रही है, सो बाहर कथा भी सुनो, घूम फिर कर फिर अपनी जगह पर बैठ जाए। ऐसा श्रोता है क्या? लोग बड़े प्रसन्न होते हैं जब आगे वाला उठकर चला जाए, पैर फैलाने की जगह मिल जाए। तो जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, अपने संघ को जीते, अपना ध्यान एकत्रित हो जाए कथा में। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतकर कथा सुने, फिर कोई कितना ही हिलाए, कुछ भी पूछे, कोई मतलब नहीं। कथा सुनकर सुन हो जाओ, यही कथा का नियम। कथा सुनकर अगर सुन नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं। इसीलिए श्रोता के लक्षण बताए। अब तो प्रहलाद इत्यादि बड़े बड़े भगवत भक्त, प्रहलाद स्तर धारी तरलगति दया चोद्धव कांश धारी वीणा धारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने दे कुमार यत्राग्रे भाव वक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी प्रकट होकर तालियां बजाने लगे, उद्धव कांस बजाने लगे, अर्जुन राग गाने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, नारद वीणा बजाने लगे। इधर जो बैठे हुए सनकादिक ऋषि थे, जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सुखदेव महाराज भजन का भाव बताने लगे और दिव्य भजन कीर्तन प्रारंभ हो गए। तो आइए इसी के साथ महात्म्य को विश्राम करें और प्रथम स्कंद से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। आप सब लोग भी तालियों से सेवा करेंगे। सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना से लगने लगी अब उसको निभाना है। श्याम जी से लगन लगी अब उसको निभाना है। श्याम जी से लगन लगी अब उसको निभाना है। Thank you.
लगीन जन्म दिया, यशोदा ने पाला जन्म दिया, यशोदा ने पाला है। नंद जी के आंगन में हो, नंद जी के आंगन में मेरे श्याम का ठिकाना है। नंद जी के आंगन में मेरे श्याम का ठिकाना, श्याम का ठिकाना है। नंद जी के आंगन में मेरे श्याम का ठिकाना है। गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोकुल की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। गोकुल की गलियों में श्याम का ठिकाना की गलियों में राधे राधे ही रटते रहो। वृंदावन की गलियों में राधे राधे ही रटते रहो। वृंदावन की गलियों में राधे राधे ही रटते रहो। राधे कृष्ण रट रट के, राधे कृष्ण रट रट के अब जीवन बराना है। राधे राधे रट रट के अब जीवन आया।
अब जीवन बनाना है। सत्संग ही बहाना है। सांवर से लगन लगी अब उसको निभाना है। सांवर से लगन लगी अब उसको निभाना है। उसको निभाना है। सांवर से लगन लगी अब उसको निभाना है। सांवर से लगन लगी अब उसको निभाना है। बांके बिहारी लाल की राधा रानी जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार आइए महात्म्य को विश्राम करें, भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। श्री वेद व्यास जी महाराज, क्योंकि आज तक कल जो आपने सुना और अब तक जो आपने सुना ये भागवत जी नहीं, भागवत जी की महिमा थी। अभी भागवत जी प्रारंभ नहीं हुई है। अब तक जो आपने सुना ये सब स्कंद महापुराण और पद्म महापुराण के द्वारा वर्णित भागवत जी की महिमा का वर्णन था, पर अब भागवत जी प्रारंभ होने वाली है। आज तक आपने इसकी महिमा सुनी, कथा सुनने वालों को क्या प्राप्त होता है? अब जिस कथा से प्राप्त होता है वो कथा कौन सी है वो आप सुनिए। श्री माताएं शांतिपूर्ण कथा श्रवण करेंगी। श्री वेद व्यास जी महाराज हर ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण किया करते हैं। मंगलाचरण एक हमारे ऋषियों के द्वारा बनाई गई पद्धति है। हर शुभ कार्य को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है। वेदव्यास जी शिव पुराण को प्रारंभ करते हैं, उसमें भी मंगलाचरण करते हैं। देवी भागवत प्रारंभ करते हैं, उसमें भी मंगलाचरण करते हैं। भागवत में भी मंगलाचरण किया है, उसमें भी मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति कुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
श्री वेद व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य यतोन्वयात् शिव पुराण में भी करते हैं, देवी भागवत में भी कर, सब पुराणों में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। जैसे शिव पुराण में मंगलाचरण किया, माँ भवानी और भगवान शंकर के को प्रणाम करते हैं मंगलाचरण के द्वारा, वैसे भगवान ये भागवत जी केवल एक का ग्रंथ नहीं है, इसीलिए वेद व्यास जी महाराज अंतिम में सत्यम परम धीमहि का, अगर शिव जी का पुराण होता, शिव पुराण होता, तो वो लिखते कि शिवम परम धीमहि। विष्णु भगवान का पुराण होता तो कहते विष्णुम परम धीमहि। पर लेकिन ये पुराण तो सत्य का है, जो सत्य है वही पुराण। अन्य पुराणों में तो वेद व्यास जी ने जिसका पुराण है उसकी महिमा उसके मंगलाचरण में स्पष्ट कही। देवी भागवत में कहते हैं श्रेष्ठौ या सर्ग रूपां जगत वन विधौ पालनिया चरोद्रे संघारे चापि अस्या जगदिदमखिलं क्रीडनौ या पराख्य पश्यन्ती मध्यमाथौ तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा अस्मद्वाचं विदिह गिरिसा राधितालंकरोतु राधितालंकरोतु राधितालंकरोतु। देखो स्पष्ट देवी भागवत में माँ भगवती की महिमा का वर्णन किया। सृष्टौ या सर्ग रूपा जगद वन विधौ पालनीया चरोद्री संघारे चापि अस्या जगदिदम अखिलं क्रीडनं या पराख्या। माँ भगवती की महिमा का वर्णन करते हैं। शिव पुराण में भी कहा है अद्यंत मंगल मजा तसमान भाव मार्यं तमीश मजरा मरमात्म देवं पंचाननं प्रबलपं च विनोदशीलं संभावये मनसि शंकरमंबिकेशं। प्रत्यक्ष भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं। पर धन्य है ये पुराण, समस्त देवताओं का आश्रय भूत है, इसलिए इसमें कहा सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की हम आराधना करें। कैसा है वो? जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस, जिसका कभी जन्म नहीं होता। और बिल्कुल साधारण तया बात है, जिसका कभी जन्म नहीं होता उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म है, पर जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु ही नहीं है। परमात्मा को तो हम अजन्मा कहते हैं, जिसका कभी जन्म नहीं होता, वो तो अजन्मा है, अनादि है, सबका आदि है, सबसे पहले था, अब भी है और अंत में भी रहेगा। ऐसा परमात्मा
जन्माद्यस्य जन्म आदि बंधनों से जो रहित है, क्योंकि जब हम लोग कहते हैं बालक का जन्म हो, बोलते क्यों नहीं, बालक का जन्म हो गया, हो भी गया और गया भी। जन्म जैसे जन्म और अंतिम है मां, मां से मरण, जिसका जन्म उसका मरण बिल्कुल निश्चित बात। पर लेकिन माताओं, जिसका कभी जन्म ही नहीं होगा उसकी मृत्यु कैसे होगी? वो भगवान तो जन्मादि बंधनों से भी रहित है, इसीलिए उस परमात्मा को जन्माद्यस्य कहा गया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। जो अंश नहीं अंशी है, हम सब लोग उस परमात्मा के छोटे छोटे अंश हैं। इसीलिए आपने कभी देखा है वेदों में जिसकी स्तुति होती है, जिस परमात्मा को पूजा जाता है, उसके जब वेश का वर्णन आता है तो वेद भी कहते हैं कि सहस्त्र शीरखा पुरुखः सहस्त्राक्ष, जिसके हजार हाथ हैं, हजार पग हैं, हजार मस्तक हैं, हजार धड़ हैं। ऐसा व्यक्ति कभी देखा है क्या, जिसके हजार हाथ हो, हजार मुख हो, हजार आंखें हो, हजार सिर हो, हजार पैर हो? देखा नहीं देखा, पर हमने देखा है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए, हजारों हाथ हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों मुख हैं, हजारों पैर हैं, हम सब लोग उसके अंश हैं, पर लेकिन वो अंशी है, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं, पर जब हम मिलते हैं तो वही हो जाते हैं।